इनसाइडर स्टोरीज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टैलेंटेड स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट आदर्श आनंद के बारे में। आज भले ही वो एक पॉपुलर पर्सनैलिटी हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके आसपास के लोग उनके टैलेंट को समझते ही नहीं थे और उन्हें पागल कह के संबोधित करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कब किसकी किस्मत बदलेगी ये कोई नहीं जानता। इस वीडियो के जरिए आज हम उनके बारे में 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपने सुनी होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, कभी पागल तो कभी झक्की कहे जाने वाले आदर्श आनंद इंटरटेनमेंट के कंप्लीट पैकेज हैं। एक यूट्यूबर होने के साथ वो एक एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। ये यूट्यूब पे तब फेमस हो गए जब उन्होंने वायरल वीडियो रसोड़े में कौन था पर वीडियो बनाई। इस वीडियो को अब तक 9 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। नंबर 2, आदर्श आनंद की पॉपुलैरिटी तब बढ़ गई जब उनका चुनाव जी टीवी के पॉपुलर टॉक शो मूवी मस्ती विथ मनीष पॉल में एक कंटेस्टेंट के रूप में हुई। इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस अनन्या पांडे उनकी टीम पार्टनर थी। साथ ही एपिसोड के शूटिंग में मनीष पॉल, चंकी पांडे, अली असगर व परितोष पारिकर भी शामिल थे। एपिसोड के शूट के बाद उन्हें 55 इंच का टेलीविज़न और कई गिफ्ट हैम्पर भी मिले। नंबर 3, 24 वर्षीय आदर्श आनंद का जन्म बिहार भागलपुर के बरारी स्थित रिफ्यूजी कॉलोनी में हुआ था। उनके पिता का नाम रविकर प्रसाद कर्ण है, जो आजीविका के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, तथा माँ मधुबाला देवी हैं, जो एक गृहिणी हैं। नंबर 4, वो बचपन से ही एक मस्तीखोर बच्चे रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी पढ़ाई में कोई कमी नहीं की और ताड़र कोले ताड़र से उन्होंने BCA फिजिक्स में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। नंबर 5, आदर्श अपने घर के बाहर कभी बच्चे बनकर तो कभी लड़की बनकर तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे। साथ ही पास के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के बच्चों के साथ मस्ती करते थे और मोबाइल पर वीडियो बनाकर YouTube और TikTok पर डालते थे, जिसे देखकर लोग यह कहने लगे थे कि मास्टर का बेटा पगला गया है। लेकिन उनके वीडियो को लोगों ने इतना पसंद किया कि वे सोशल मीडिया पर फेमस हो गए, जिसके बाद ही GTV के कार्यक्रम मूवी मस्ती विथ मनीष पॉल में चयन के लिए उन्हें मुंबई से कॉल आया। नंबर 6, एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, यह बात तो काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन वो रेडियो एक्टिव 19.4 FM भागलपुर में एक RJ भी हैं, यह बात बहुत कम लोगों को पता है। नंबर 7, आदर्श को गाना गाना और डांस करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब तक उन्होंने ना जाने कितने स्टेज शोज और इवेंट्स में बतौर एक आर्टिस्ट परफॉर्म किया है। उनकी द्वारा की गई मिमिक्री को लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। वो लगभग 150 से ज़्यादा बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस, सिंगर्स और कार्टून कैरेक्टर की मिमिक्री कर सकते हैं। नंबर 8, आदर्श आनंद YouTube चैनल के अलावे डबिंग मास्टर आदर्श, आदर्श नंबर 1 डांस और आदर्श गैंग BTS जैसे YouTube चैनल उनकी ही चैनल है, जिनके वीडियोज़ पर लाखों व्यूज़ आते हैं, जो ये दर्शाती है कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। नंबर 9, अगर बात की जाए उनके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में तो ऋतिक रोशन उनके फेवरेट एक्टर हैं और दिशा पटनी फेवरेट एक्ट्रेस हैं। साथ ही उन्हें क्रिकेट और फुटबॉल खेलना भी पसंद है, और हो भी क्यों ना, विराट कोहली जो उनके फेवरेट स्पोर्ट पर्सन है। नंबर 10, आदर्श आनंद के इंस्टाग्राम, लाइकी, ट्विटर और फेसबुक पेज में भी फॉलोअर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वो सोशल मीडिया से लाख रुपए महीने के आसानी से कमा लेते हैं। ये थी आदर्श आनंद के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आप भी आदर्श आनंद के फ़ैन हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।